नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति। राजस्थान में गर्मी के पारे के साथ साथ सियासत का पारा भी बढ़ता जा रहा है। भाजपा राजस्थान के रिवाज के अनुसार जीत की तैयारी कर रही है तो कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चुनाव सिर पर है तो ऐसे में राजस्थान में चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए ENN भारत और दिबंक मीडिया ने अप्रैल में राजस्थान के सभी गांवों का राजनीतिक सर्वेक्षण किया है। यह सर्वेक्षण हमने प्रत्येक गांव के प्रत्येक समुदाय के लोगों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में संख्या निर्धारित कर 10 से 12 व्यक्तियों से बात करके किया है और सर्वेक्षण का परिणाम उसी बातचीत के अनुसार है। सर्वे के अनुसार सांगरिया विधानसभा में अप्रैल की परिस्थिति में कांग्रेस को 37.61%, बीजेपी को 41.33% समर्थन प्राप्त है। इस विधानसभा के 107 गांव में से कांग्रेस 43 गांव में आगे है और भाजपा 61 गांव में आगे है, वहीं अन्य 3 गांव में आगे है। वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह इस विधानसभा में आगे चल रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस से शबनम गोदारा, परम नवदीप, केसी विश्नोई, अभिमन्यु पूनिया, हर्षवर्धन जिन्ना, पवन गोदारा, विनोद कड़वा, जगदीश वर्मा और सतवीर सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। वहीं बीजेपी से गुरदीप शाहपिनी, गुलाब शिमर, कृष्ण कड़वा, राम सिंह बराड़ और अभिषेक पूनिया चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मई में फिर ENN भारत और दिबंक मीडिया मिलकर पूरे राजस्थान का सर्वेक्षण कर रही हैं, जिसके प्रश्न हैं, पहला प्रश्न, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? दूसरा प्रश्न, आपका अगला विधायक कौन होना चाहिए? तीसरा प्रश्न, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? चौथा प्रश्न, अगर मुख्यमंत्री आपके पसंद का बनने की उम्मीद ना हो तो क्या आप अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? पांचवा प्रश्न, अगर उम्मीदवार आपके पसंद का ना हो तो क्या आप अपने पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे? इन सब की रिपोर्ट मई के अंत तक हम आपको दिखाएंगे। अगर आप भी हमारे सर्वेक्षण से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9922990712 पर जवाब लिखकर भेज सकते हैं। आप अपने गांव या विधानसभा की कोई भी जानकारी हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।